Hello everyone, welcome to SAES. In the last videos, Lightning, natural resource that is clear to all of you. In class seventh, you have done about the cyclones also. Thunderstorm, also, we have done. Now these natural. फेनोमिना देट इज लाइटनिंग थंडर स्टॉम साइक्लोन्स दे कैन बी प्रडिक्टेड बाई द वेदर डिपार्टमेंट टू सम दे आर प्रडिक्टेड पहले से हमें पता चल जाता है कि ये लाइटनिंग या थंडरस्टॉम होने वाला है साइक्लोन्स आने वाले हैं लेकिन देअर इज वन नेचुरल रिसोर्स अबाउट विच वेदर डिपार्टमेंट कांट प्रोडिक्ट नुकसान हमें कहाँ पे हो रहा है नुकसान प्रॉपर्टी लाइफ दोनों का सब नेचुरल रिसोर्सेस में होता है लेकिन जब हमें पहले से कुछ पता चल जाए कि ऐसा होने वाला है तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ महस अडॉप्ट करेंगे अपने आप को बचाने के लिए पर जो मैंने एक आपको बताने वाली हूं नेचुरल रिसोर्स जिसके बारे में पहले प्रडिक्ट नहीं किया जाता दैट इज द अर्थक्वेक अर्थक्वेक्स ऑल्सो लीड टू ह्यूज लॉस इन द प्रॉपर्टी एज वेल एज लाइफ बहुत नुकसान होता है अर्थक्वेक से भी एंड जहाँ पे कुछ ऐसे अर्थक्वेक्स हैं जहाँ बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है वो मैं अभी बताती हूँ आपको कि कौन कौन से जो इंडिया में भी आए हैं तो अर्थ व्हाट आर अर्थ व्हाट हाउ दे आर कॉस्ट एंड What are the ways by which we can minimize the damage? These questions, they come in our mind. So first, you should know about the earthquake. Earthquake, what hai? So my topic, that is earthquake. Earthquake leads to large destruction. ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ओके बहुत नुकसान होता है इससे और मैं कुछ अर्थ क्वेक्स आपको बताने वाली हूँ आपको याद होगा या आप तब नहीं आप अपने पेरेंट्स से पूछो ओके okay, कि ये 2001 में भूज में आया था ठीक है मुझे याद है ये लेकिन यू आर नॉट देव इन दिस वर्ल्ड एट दाइम ओके सो ट्वेंटी सिक्स जनवरी टू थाउजेंड वन में भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में यह अर्थक्वेक आया था जिससे टॉल बिल्डिंग्स दे फेल डाउन, ह्यूमन लाइफ प्रॉपर्टी का बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था इन द सेम वे इन द ईयर टू थाउजेंड एंड फाइव सम ऑफ द टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर ओके उरी मूवी देखी है ना आपने उड टांगधर टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर उसमें एट ऑक्टूबर को ये अर्थक्वेक आया था एंड इट हैज ऑल्सो लेड टू लॉ लार्ज और यू कैन से ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ये तो मैंने आपको बताया कि अर्थ क्वेक कौन कौन से आए थे और उनसे क्या नुकसान हो रहा है अब मैं आपको ये बताती हूं कि वॉट इज अर्थ क्वेक इन फैक्ट सडन शेकिंग और ट्रैबलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम बहुत थोड़े टाइम के लिए हिल जाती है अर्थ आप अगर टेबल चेयर पे बैठे हो वो टेबल ऐसे हिलने लग गई फैन हिलने लग जाता है बेड पे बैठे हो तो बेड हिलने लग जाता है सो वॉट इज अर्थक्वेक सडन शेकिंग और ट्रैम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम दैट इज नोन एज अर्थक्वेक अब ये अर्थक्वेक क्यों होता है इट इज कॉज बाय द डिस्टर्बेंस डीप इन साइड द अर्थ क्रस्ट अंदर डीप एंड साइड द अर्थ क्रस्ट कुछ प्लेट्स होती हैं ओके प्लेट्स होती हैं और उन प्लेट्स में वो हिलजुल हो जाती है एक के ऊपर एक चढ़ जाती है या उनमें जो ट्राम्बलिंग सी होती है जिसके कारण अर्थ हिलने लग जाती है एंड इट लास्ट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम बट उससे बहुत ज्यादा नुकसान डिस्ट्रक्शन हो जाती है ओके अर्थक्वेक के बाद और भी नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती हैं जैसे अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड्स लैंडस्लाइड्स स्लाइड एंड सुनामीज आल्सो आपको मैं एक और बताऊं कि 2004 में 26 दिसंबर को अंडेमान और निकोबार में सुनामी आ गया था ठीक है इंडियन ओशन में मेजर सुनामी अकर्ड ऑन ट्वेंटी सिक्स 2004. टू थाउजेंड एंड फोर सो this thing is clear why uh, how this earthquake occurs this is the disturbance in the inside the earth's crust there are plates and there is disturbance due to which it is caused and what is earthquake it is the trembling or or you can say sudden shaking of the earth which lasts for only few seconds you can say अब अर्थ जो ये आए थे जो मैंने भुज का बताया है या मैंने नॉर्थ कश्मीर का बताया है इनका जो रिचटर लेवल रिचटर लेवल क्या है रिचटर स्केल में अर्थ क्वेक को मशर किया जाता है देवर अप्रॉक्सीमेटली सेवन पॉइंट फाइव जो सेवन रिचिटर स्केल से ज़्यादा के अर्थक्वेक्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं ओके okay? उससे जो कम आते हैं वो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा जो डैमेज है वो कॉज नहीं करते आप देखते हो कई बार आता है अब भी आता है कई बार एकदम से हुआ ट्रैवलिंग ऑफ द अर्थ पंखे वगैरह हिले हमें पता चला न्यूज़ में आ गया और पर हम देखते हैं कि वो 5.5 पॉइंट रिचटर स्केल का है और ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ न्यूज़ में आ जाता है या ये वाली बिल्डिंग जो जहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनी हुई हैं उनका गिरने के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं जो टॉल बिल्डिंग्स हैं ओके ना वॉट इज द कॉज ऑफ अर्थ

क्रस्ट ये अर्थ के लेयर्स हैं ओके डिस्टर्बेंस डीप डाउन इन साइड द अर्थ व्हिच इज नोन एज जिसको हम क्या कहते हैं क्रस्ट जब उसमें डिस्टर्बेंस होते हैं तो क्या होगा अर्थ को एक होगा जो आउटरमोस्ट लेयर है रेड से मैंने बनाई है दैट इज द क्रस्ट

अगर क्या होगा अर्थक्वेक के दौरान क्या होगा कि वेन दे ब्रश पास्ट वन अ नदर और प्लेट गोज अंडर अ एक प्लेट जो है वो दूसरे के नीचे चली गई ओके ड्यू टू कोलिजन कोलिजन क्या होता है टकराना जब टकराई प्लेट्स और वो कहाँ चली गई वो दूसरी एक प्लेट के नीचे चली गई दूसरी वाली प्लेट और उससे क्या होगा दे कॉज द डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रेक क्रस्ट दिस इज द कॉज ऑफ द अर्थ क्वेक मैं एक बार फिर बताती हूँ कि अर्थ की तीन लेयर्स हैं आउटर दैट इज द क्रस्ट मिडल वन इज मेंटल एंड इनर मोस्ट दैट इज द कोर कोर इज डिवाइडेड इनटू टू टू पार्ट्स दैट इज द इनर कोर एंड द आउटर कोर जो अर्थक्वेक होना है उसमें जो डिस्टर्बेंस या ट्रावलिंग जो हो रही है अर्थ की दैट इज ओनली ड्यू टू द चेंजेस इन द अर्थ क्रस्ट जो आउटरमोस्ट लेयर है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं क्या चेंजेस आते हैं कि अर्थ क्रस्ट जो है वो प्लेट्स की बनी होती है मींस सिंगल पीस नहीं है वो फ्रेगमेंटेड है एंड दे आर मेड अप ऑफ प्लेट्स और जब तो प्लेट कुलशन के साथ एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है स्लिप कर जाती है तो क्या होगी देर विल बी डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट वो ट्रैम्बलिंग होगी ठीक है अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंस हो गई और उससे अर्थ आएगा ओके आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये आप लोगों को ये मैंने शुरू में क्वेश्चंस बताए थे आपको कि हमारे देखो अर्थक्वेक के बारे में पहले नहीं पता होता था जैसे मैंने आपको बताया कि लाइटनिंग और थंडर जब होता था तो क्या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कहते थे कि भगवान जी नाराज हो गए हैं इसी तरह इसके पीछे भी कुछ स्टोरीज हैं कि ये अर्थ जो है वो बुल के दो हॉर्न्स पे टिकी हुई है जब अर्थ एक हॉर्न से दूसरे हॉर्न पे जाती है तो ये अर्थक्वेक आते हैं। लेकिन अब डिटेल स्टडी कर ली गई है ये ग्रैंड स्टोरीज होती थी वो पहले बताई जाती थी लेकिन नाउ द साइंटिस्ट दे हैव दे हैव रीच टू द कंक्लूजन दैट वाई दिस अर्थक्वेक वॉट आर द काजेस ऑफ दीज अर्थक्वेक्स सो दैट आई हैव टोल्ड यू नाउ नेक्स्ट इज Protection against the earthquake. I have told you what is earthquake, what are the causes of the earthquake, and what is the scale in which this is measured. The scale is richter, richter scale. I have told you if it is more than seven, then huge loss in the property and people human beings and if it is less than seven then it is still manageable okay now what is uh, what protective mayors we can adopt buildings in these zones jahaan earthquakes zyada aate jada tremors aate hain that should be designed so that they can withstand major tremors theek hai wo jab uske trembling hoti hai plates ki ya earth tremble karta hai तो वो buildings ऐसी होनी चाहिए इस तरह से design होनी चाहिए कि वो सहन कर सके मेजर ट्रामर्स को okay? एक तो ये हो गया फिर जब बिल्डिंग बनती है उस वक्त कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर्स उनको भी कंसल्ट करना चाहिए कि किस तरह से बिल्डिंग बननी है पूरी कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल ओके कबर्ड्स एंड शेल्स दे शुड बी फिक्स्ड। फिक्स इन द वॉल होंगी तो उनके गिरने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यूरिंग अर्थक्वेक आग लग जाती है इसलिए आपका जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है दैट शुड बी इन द वर्किंग कंडीशन ताकि अगर फायर लग गई है तो फटाफट से बुझा भी दी जाए द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ओके सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्विक रेजिस्टेंट हाउसेस किस तरह से क्विक रेजिस्टेंस हाउसेस बनाए जाए तो ये तो है कि जब बिल्डिंग बन रही है तो उसमें वो क्विक रेजिस्टेंट होने चाहिए बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स और जो इंजीनियर्स हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए काबोर्ड्स जो हैं वो फिक्स होनी चाहिए ये सारी चीजें पड़ी अगर अर्थक्विक आ जाता है ओके और आप घर के अंदर हो तो आपने क्या मयस करने हैं अडॉप्ट आप टेबल अगर है तो आप टेबल के नीचे बैठ जाओ ओके इफ यू आर ऑन द बेड तो क्या है कि बेड से उठो नहीं उसी वक्त हिल रहा है बेड तो उठो नहीं आप पिलो लेके अपना सर उसमें दबा लो ओके और लिफ्ट उस वक्त बिल्कुल यूज नहीं करनी अगर आप ओपन में जाना चाह रहे हो तो ट्रामर्स थोड़ा हट जाए मतलब अब ट्रामर नहीं हो रही है लेकिन आफ्टर शॉक्स भी होते हैं इसलिए आप धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर के आप ओपन में चले जाओ और अगर आप ओपन में हो तो यू शुडेंट स्टैंड नियर द टॉल ट्रीज और द टॉल बिल्डिंग्स गो टू द ओपन गार्डन एट्सेट्रा जहाँ पे बिल्डिंग्स पास नहीं है गार्डन में ओपन स्पेस पे चले जाओ एंड इफ यू आर इन द कार और अ बस आपने उसकी विंडोज बंद कर देनी है और ड्राइवर को ये बोलना है कि वो आराम से किसी सेफ प्लेस पे ओपन प्लेस पे चला जाए धीरे धीरे स्पीच से ओके सो इन द होल चैप्टर वी रेड वी स्टार्टेड फ्रॉम लाइटनिंग थंडर स्टॉन्ग एंड देन वी हैव रेड अबाउट द अर्थ क्विक ऑल्सो इन डिटेल सो दीज आर सम नेचुरल फिन और हमें इनके बारे में पता होना चाहिए ताकि क्या हमने इसके कॉजेज हैं क्या हमें प्रोटेक्टिव मयस अडॉप्ट करने हैं ताकि हम इनके डैमेज से अपने आप को बचा सकें सो विद दिस माई चैप्टर सम नेचुरल फिनिना दैट इज़ फिनिस्ड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक अप्रीक्वेंटली आस्ड क्वेश्चन Till then, thank you very much.